पूरी वर्ल्ड में इस खत्ते की कोई इनकम रिसोर्सेस कोई अट्रैक्शन है तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके ऊपर है। आपके आने वाला फ्यूचर टोटली टूरिज्म से होगा सर। टूरिज्म मींस कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो दो पैगाम को लेके आते हैं। मुझे बरसों से इन चीज़ों के ऊपर एक जुनूनियत से भी ज़्यादा एक शौक था कि मैं इन चीज़ों के ऊपर कोई काम करूँ जिससे हमारे इलाके की हमारे पूरे मुल्की लेवल पर इनकी पसराई मिले लोगों को। ये जैम स्टोन्स की दुनिया में हमारे बाप दादा आबा व अजदाद से इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम तुक्के में ब्लास्ट कर रहे हैं जिससे 99% जो स्टोन हो वो बी से डी ग्रेड हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता है। हमारे स्टेट में सर ना किसी डिपार्टमेंट ने, ना किसी एनजीओ ने, ना किसी शख्सियत ने इन चीज़ों को यूटिलाइज करने का कोई कंसेप्ट नहीं दिया। मैंने इन पत्थरों को जो छोटे पीसीस है सर मैं अगर इंटीरियर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बड़े पीसीस होते हैं मैं घर के एक्सटीरियर में सर लैंडस्केपिंग रॉक गार्डनिंग में इस्तेमाल करके लोगों को एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। यानी पूरी पाकिस्तान में एक गेट के अंदर भी मैंने एक स्टोन्स की आर्ट को मुतारुफ मैंने यहाँ पर किया सर, ठीक है ना। ये बनाने में मुझे तकरीबन 3 साल तक लगा, अभी भी इस पर काम हो रहा है जी। इस वक्त मैं नया एक कंसेप्ट लोगों को ये दे रहा हूँ। अब शरीफ साहब हैं, फूलों की दुनिया में एक जुनूनियत से भी ज़्यादा शौक रखते थे सर। मैं वॉल गार्डनिंग का एक कंसेप्ट दे रहा हूँ लोगों को, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। उस पर मैंने अभी काम स्टार्ट किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है इंशाल्लाह। वो भी आपके लिए एक मीडिया के लिए स्पेशल पैगाम है लोगों की रिफ्रेशमेंट के लिए। आपको खुदा की वादानियत नजर आएंगे, एक नेचुरल आर्ट है, नेचुरल कलर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। इस नेचुरल आर्ट को मैंने अपनी एक आर्ट की दुनिया में इसको यहाँ पे मॉडल के तौर पे पेश किया ताकि आने वाले टूरिस्ट इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज ले लें और लोगों के लिए इनकम रिसोर्सेज का एक मौका मिलेगा इस चीज़ से। सर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई जंगली जानवर आते हैं घोंसले में बैठ के इसके तुम बाहर निकला हुआ है। यह एक नेचुरल पत्थर है लेकिन मैंने आलिस्टिक वर्ष में ऐसा एक माहौल दिया कि कोई जंगली जानवर अपने बिल में बैठ के इसका तुम बाहर निकला हुआ है, जैसे कि अंडे पे बैठे हुए। आके मैंने एक पॉइंट बनाया इस पर, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक ही पीस है जबकि ऐसा नहीं है।
गॉड गिफ्टेड है। तख्लीकाती काम है मेरा अपना, मैं कहीं से कॉपीराइट नहीं करता हूँ। कहीं पे कोई ज़ौक रखने वाला इंसान मुझे कोई प्रोजेक्ट देता है, इंटीरियर में, लैंडस्केपिंग में मुझे देता है, तो पहले मैं उसकी नफ्सियात को जानता हूँ, वो कस्टमर किस नेचर की है, वो किस तरह के काम को पसंद करता है, उस हिसाब से मैं घर के इंटीरियर को भी करके देता हूँ, जिसके अंदर गेम स्टोन्स की है, एंच स्टोन्स के, अदरवाइज बहुत सारी स्टोन्स की वैराइटीज़ यहाँ पर मैंने एक करके एक आर्ट की दुनिया में, इसको इंटीरियर की दुनिया में दिखाया है। इसके अलावा मैं घर के अंदर, घर से हट के आपके वॉल पे एक वॉल गार्डनिंग का एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, जिसपे मैंने सामने ही काम किया, वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जिससे हमारे इलाका -35 तक जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी एवरग्रीन की मुमकिनात ख़त्म हो जाती है। उसके लिए मैंने ग्रीन हाउस भी बनाया, उसके अंदर जू भी है, ग्रीन हाउस भी है, एक वॉल गार्डनिंग के कंसेप्ट भी मैं दे रहा हूँ, वो भी इंटीरियर के एक पार्ट से सर। नेचुरल है जो कि कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है।